अच्छा खेल रहे हैं। काफी ज्यादा पालपुर वर्सेस देघाड़ का अभी शानदार मैच होने जा रहा है, बने रहिए हमारे साथ गेम में और देखिए शानदार मैच। ये है देघाड़ की टीम, देघाड़ की प्लेइंग इन हो गई है, सारे फॉल इन हो गए हैं, लेंथ सेवन प्ले सेवन। और अब दिखाते हैं आपको पालपुर की टीम प्लेयर प्लेन साथ लाइन अप हो गए हैं। परिचय कोड चेंज करेंगे, खेल भावना हाथ मिलाएंगे सारे बंदे। गेम स्टार्ट कर दिए, पालपुर की तरफ से हैं गए हैं दीपक कुमार, कैप्टन भी हैं पालपुर से। पहली रेड सक्सेस है, तीन पॉइंट पालपुर को, फर्स्ट दो पॉइंट ये देघाड़ से गए हैं। गलत डिफेंस किया, बहुत आगे जाके डिफेंस करने की कोशिश करी, लाइन से बहुत दूर जाके घूमे, इतना बड़ा पालपुर को एक पॉइंट देकर। फिर गए हैं रेडर किशोर बिष्ट, अभी अच्छे कद भी अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है, लात भी अच्छा मारते हैं। पकड़े गए हैं दिघाड़ से है सेकंड रेड प्लेयर। दिघाड़ के आपको दिखेंगे थोड़ा चुस्त दुस्त नहीं दिखेंगे, बट काफी एक्टिव प्लेयर हैं कबड्डी के मामले में, अड्डे गड्ढे नहीं है लेकिन काफी तेज दुरुस्त। ये देखिए सुमित गए हैं पालपुर से, बोनस पॉइंट। क्या कर रहा है, वन पॉइंट, काफी अच्छा पांव से टच किया प्लेयर को, काफी अच्छे गेम सुमित की तरफ से दिखाई दिया यहाँ पर। और दर्शकगण भी आते हुए हमारी इधर से, लीडर काफी चुस्त दुरुस्त तो दिख रहे हैं, पालपुर तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा पकड़ने का, काफी अंदर डीप में है पर गलत प्रयास, एक ही सिंगल डिफेंस से कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं साथ देने के लिए। फिर गए हैं दीपक कुमार गए फिर से रेड पे, दो का डिफेंस है पालपुर से, दो प्लेयर हैं। आसानी से टैकल, और एंकल पकड़ा, एंकल कोई देख कोई शोर गए हैं दोबारा रेड पे, पालपुर की हालत खराब, बेइज्जती करा दी भाई इनने। दो पॉइंट मिलेंगे और दो प्लेयर भी जिंदा होंगे। अभी पॉइंट अर्जित करेंगे पालपुर को बराबरी के लिए, पकड़ देख कोई नहीं गया उस पर। दीपक कुमार गए हैं दोबारा रेड पे, धीरज गए हैं दोबारा रेड पे, गलत कर गए हैं ना, क्या बोलते हैं सूरज स्मार्टी। अरे भाई पकड़े। आउट के बाद दोबारा पालपुर की तरफ से रेड करने गए हैं दीपक कुमार, देखते हैं और वापस करते नहीं करते गेम में, काफी पॉइंट पीछे चल रहे हैं पालपुर देघाड़ से। वहीं दीपक की रेड से सक्सेस रही हर बार, अभी टैकल पॉइंट लेके आते नहीं, लेके देखना पड़ेगा। वन टू फिर गए हैं
लक्की गए हैं लक्की। बोनस पॉइंट लेने की फिर से कैप्टन पालपुर के दीपक कुमार गए हैं, पॉइंट अर्जित करने पड़ेंगे अभी, बराबरी करनी है तो। प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का, प्रयास नहीं कर रहे दिघाड़ की तरफ से, सूझबूझ से खेल रहे दिघाड़ वाले भी, दिमाग से गेम खेल रहे हैं। टाइम आउट, फर्स्ट हाफ टाइम, हाफ टाइम हो गया है। हाफ टाइम के बाद होगा कोड चेंज, और कोड चेंज पे हाफ टाइम पे स्कोर कितना हो रहा है, स्कोर 10-24, 10 पालपुर 24 24 दिघाट, 10 पॉइंट पालपुर 24 दिघाट। रेडर काफी अच्छा डिफेंड कोई नहीं कर रहा है, डिफेंड बहुत ही डिफेंस में भी एक पॉइंट भी नहीं आ रहा इनका, एक पॉइंट ही नहीं है डिफेंस में। फिर से गए हैं लोकेश गए हैं लोकेश, लक्की जर्सी भी लक्की के नाम से है, 7 नंबर जर्सी, बहुत बढ़िया प्रयास। और अभी देखने को मिला पहला पॉइंट डिफेंस में पालपुर को मिला। अब गए हैं दोबारा करण गए हैं, जर्सी नंबर 10 हेमंत के नाम से है उनकी जर्सी, नंबर 13 फुटवर्क सही के लिए स्टेट प्लेयर हैं, रह चुके हैं। ये देखिए पॉइंट प्रयास किया पाँव से छूने का, टैक एंगल पकड़ना, एंगल ऐसे मत पकड़, हाँ पकड़। बहुत ही अच्छा डिफेंस अभी पालपुर से, पुनः पालपुर लौट रही है अपने पुराने पड़ता है 1 पॉइंट, और वहीं 4-5 पॉइंट खोने पड़ते। अभी सुमित गए हैं रेड पे, रेड पॉइंट के लिए गए हैं सुमित, अभी रेड पॉइंट करेंगे तो सही रहेगा टीम के लिए। दिघाड़ से डिफेंस, दिघाड़ से रेडर गए हैं पकड़ने का प्रयास, काफी अच्छा अभी कुछ देखने का प्रयास किया दीपक कुमार ने, लेकिन पकड़े गए अंदर चले गए थे। टाइम ओवर, अब गए हैं रेडर किशोर रेडर आउट, सांस फूल गई उनकी कबड्डी में। किशोर 6 मिनट का गेम शेष है, बढ़त अभी किसके पास, अभी दिघाड़ के पास बढ़त है, आउट है, सांस छूट गई उनकी। सुमित गए हैं रेड पे, अभी 2 रेड पालपुर के पहले पालपुर के पास, अभी रेडिंग पॉइंट है दिघाड़ के लिए 2 रेड मिलेंगे, अगर 2 मिलेंगे और यहां पर पालपुर को 3 पॉइंट मिलेंगे पालपुर को, और 19 पालपुर है और 28 पॉइंट दिघाड़ है। अब जो जीतेगा इनमें से वो जाएगा फाइनल में, बहुत है इसका गेम अभी चल रहा है। दिघाड़ की तरफ से डिफेंस भी गए हैं लक्की, छोटे कद के प्लेयर देख रहे हैं लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन उनके अपने टीम के लिए। धीरज गए हैं, धीरज अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, पूरा टाइम लेने के बाद फिर से दोबारा गए हैं सुमित गए हैं, 1 पॉइंट लग रहा है टैकल पॉइंट, बोनस पॉइंट है। फिर से अब गए हैं, इसका नाम धीरज है, धीरज बंगारी गए हैं रेड पे दिघाड़ की तरफ से। ये बंदा बड़ा अच्छा डिफेंस, फिर से दोबारा गए हैं दीपक कुमार, बार बार पकड़े जा रहे हैं, इस बार अपने रेड पॉइंट की जरूरत है पालपुर को, देखते हैं क्या करते हैं, टैकल पॉइंट की जरूरत है पालपुर को, टैकल सॉरी 1 पॉइंट आसानी से चुराया, वही पालपुर को मिला 1 रेड पॉइंट। अभी पालपुर देखते हैं टैकल पॉइंट ले पाती है पालपुर, अच्छा प्रयास कर रहे हैं खेलने का, और काफी अच्छा प्रयास पालपुर की तरफ से, ऐसे ही खेलना पड़ेगा भैया। अभी गए हैं सुमित, किशोर गए हैं, किशोर बिष्ट पालपुर की तरफ से, फाइनल जो जीतेगा 2 मुर्गे। पालपुर फिर भी काफी पीछे है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एक जो निराशाजनक गेम था उससे रोमांचकारी गेम की तरफ परिवर्तित हो रहा है गेम। दिघाड़ सुमित काचो, किशोर बिष्ट दोबारा गए हैं, पकड़े जा रहे हैं बार बार, अभी क्या करते हैं किशोर बिष्ट, बोनस पॉइंट ऑन नहीं उनके लिए, 1 टैकल पॉइंट,
रेड पॉइंट पालपुर, फिर गए हैं धीरज, बोनस पॉइंट आसानी से लेने दिया उनको पालपुर ने। छोटे कद के हैं धीरज, पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा कोई उनको। 2 मिनट 32 सेकंड का गेम आखिरी टाइम बाकी है। सुमित गए हैं दोबारा रेड पे, अभी अच्छा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड पॉइंट अपने पे टैकल पॉइंट लाने, रेड पॉइंट लाने पड़ेंगे। पकड़े गए, अंदर चले गए थे पूरे डिफेंस के अंदर, कोई मौका नहीं था उनके पास। करण रावत गए हैं रेड पे, रेड पॉइंट के लिए, पर प्रयास नहीं करेंगे। बढ़त उनके पास है, टाइम स्पेंड करना उनके लिए अभी मेन होगा। टाइम स्पेंड करें और गेम ओवर करें। बढ़त अभी दिघाट के पास है, पकड़े। अरे यार यहीं पकड़ता ना उसको। दीपक फिर गए हैं, तीन रोड पॉइंट पालपुर, बोनस पॉइंट ले रहे का प्रयास कर रहे हैं। शायद बोनस पॉइंट ले लिया, शायद काफी अच्छा। एक मिनट की लास्ट का रेड बाकी है, एक मिनट का, 4 की लीड है दिघाट के पास अभी तक। ये भी सेम वही चल रहा है मैच। अगर पालपुर को गेम जीतना होगा तो 4 पॉइंट बना के लाने पड़ेंगे। अभी 2 पॉइंट हैं और 2 मिलेंगे ऑल आउट करेंगे तो 1 पॉइंट। आजा। अभी 2 का 3 पॉइंट, 48 सेकंड का गेम, इसे पकड़ना पड़ेगा। और अभी इसे पकड़ने के बाद, इसे पकड़ के बाद 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट के उसके बाद उनका बनेगा, बराबर हो जाएगा गेम। काफ़ी रोमांचकारी गेम है, पकड़ना जरूरी है इसको। पकड़ेंगे तो ऑल आउट होंगे, ऑल आउट में 3 पॉइंट मिलेंगे अभी। अब क्या करते हैं देखते हैं। पालपुर पालपुर के मौका है अभी जीतने का, पकड़ना पड़ेगा इसको। अब देखते हैं, टाइम कम है बचा हुआ, 1 पॉइंट। लास्ट रेड है सुमित के लिए, सुमित क्या करते हैं, और सुमित ने 2 पॉइंट। और ये गेम पालपुर के खाते में, बहुत ही रोमांचकारी गेम रहा। पालपुर बहुत ही बाई लक जीत गई पालपुर, 34-33 1 पॉइंट से। बहुत ही रोमांचकारी गेम।